हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर संदीप सिंह ने कहा है कि पिछले कुछ समय से हरियाणा की खेल पॉलिसी सबसे बढ़िया हुई है, लेकिन पंजाब की खेल पॉलिसी हरियाणा से पीछे है। ओलंपिक में भी सबसे ज्यादा पैसा हरियाणा की तरफ से दिया जा रहा है। पंजाब में बड़े स्टेडियम हैं, लेकिन इसका रखरखाव और नीति नहीं है। पंजाब ऐसा सूबा है जहां से कई खिलाड़ी निकल सकते हैं। हरियाणा खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। पंजाब में ऐसी सरकार की जरूरत है जो खेल में आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख समुदाय के लिए बड़े कदम उठाए। श्री करतारपुर साहिब को श्रद्धालुओं के लिए खुला किया। पंचकुला में रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, ये भी कहा गया है संदीप सिंह की ओर से, जहां पर चोटिल खिलाड़ियों को सुविधा दी जाएगी। तो आपको बताते चलें कि किस तरह से खेल को बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर संदीप सिंह ने बयान दिया है। पंजाब में बड़े स्टेडियम को लेकर उन्होंने कहा है कि पंजाब में स्टेडियम तो हैं, लेकिन इसका रखरखाव ठीक से सरकार नहीं कर पा रही है। ऐसे में पंजाब में ऐसे सरकार की जरूरत है जो कि खिलाड़ियों को